अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समियास फ्री स्टाइल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद मेहनत करती रहूं। और आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर करती हूं। तो वीकेंड था तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आइए चलते हैं 542 पार्क। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं 542 पार्क में और बड़ा ही प्यारा मौसम था, बड़ी अच्छी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी और शाम के टाइम वैसे भी दिल चाहता है इंसान कहीं बाहर निकल जाए और स्पेशली जहाँ ग्रीनरी हो तो वहाँ वैसे इंसान बहुत ही ज़्यादा जाके फ्रेश हो जाता है। और काफ़ी रश थी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर वॉक करने और जॉगिंग करने आए थे। ये स्पेशली पार्क इसीलिए ही है कि आप कोई ख़ास यहाँ पर राइड्स वगैरह नहीं हैं लेकिन लोग ज़्यादातर यहाँ पे वॉक करने और जॉगिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। और वैसे ही बच्चे कुछ खेल रहे हैं क्योंकि गार्डन से बड़े अच्छे गार्डन बने हुए हैं और वॉकिंग ट्रैक यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। और यहाँ कहा जाता है कि आपका जो पूरा वॉकिंग ट्रैक है वो जब आप कम्प्लीट करेंगे तो 500 कैलोरीज आपकी बर्न होंगी। अच्छा, इस पार्क की सबसे जो फेवरेट जगह है वो है ये जगह जो कि मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। और यहाँ पे आके एक अजीब सा मुझे एहसास होता है, बड़ा रिलैक्स फील करती थी शुरू से। तो मुझे ना पानी वाली जगह बहुत पसंद है जहाँ करीब में कहीं पानी हो और वो बड़ा ही आपको रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देता है। तो जब हम छोटे होते थे तो यहाँ पे इस पार्क में बहुत ज़्यादा आते थे, ज़ाहिर है घर करीब था तो नॉर्मली आते थे यहीं पे। तो पहले यहाँ पे लाइव म्यूज़िक का प्रोग्राम हुआ करता था डेली शाम में, और अभी तक अभी लास्ट में पीछे संडे तक तो होता था लेकिन शायद इससे लॉकडाउन की वजह से सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया। और बहुत ही प्यारी जगह लगती है ये, बोट्स वगैरह चलती थी और साथ लाइव म्यूज़िक चल रहा होता था तो बड़ा अच्छा लगता था यहाँ पे बैठ के।
तो लेकिन आज कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद था। मेरे बच्चों ने भूख भूख लगाई हुई थी, मामा हमें खाना दे हमें खाना दे, मैं घर से कुछ नहीं लेके आई। मैंने कहा चलो यहाँ कुछ खा लेंगे, मुझे टाइम नहीं मिला, बच्चों ने बहुत तंग किया, तो मैंने सोचा कि जल्दी से बस निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब कुछ बंद था। तो अब कोई करीब में हम कोई छोटी मोटी सी शॉप ढूंढते हैं, कहीं से पता चला है कि वहाँ पे कुछ है करीब में शॉप, तो वहाँ से कुछ ले लेंगे खाने के लिए। लेकिन यहाँ ये जो छोटा सा रेस्टोरेंट था ये बंद था, तो सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद है। Thank you.